हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस बॉक्स की। इसके अंदर है मिनी ट्राइपॉड जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, पूरी जानकारी मैं दूंगा किस प्रकार का ट्राइपॉड है, प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी किस प्रकार की है। सो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, मैंने इस प्रोडक्ट को ले लिया है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार का एक लिफाफा आया ब्राउन कलर का, दूसरी साइड से कुछ इस प्रकार का है। और इसकी पैकेट की जो लंबाई है करीबन 8 इंच की लंबाई और 6 इंच की चौड़ाई, छोटा सा पैकेट है। तो यहाँ पे खाली हिस्सा छोड़ दिया गया और इस साइड में यहाँ पे पूरी डिटेल डाली गई है। इसकी एड्रेस वगैरह सब इस साइड में डला हुआ है, QR कोड भी डला है इसके ऊपर। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का पेपर का है ये। तो भाई, यहाँ से इसको बंद किया गया, चिपकाया गया। तो अब इसको खोलेंगे हम। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से इसको जो डबल टेप आती है, पेपर वाली टेप आती है जो चिपकाने वाली आती है बंद करने की, तो वो लगी हुई है यहाँ पे। तो इसको मैंने खोल दिया, आराम से खुल गया ये पैकेट, कुछ इस प्रकार से खुल गया है। कुछ फट भी गया है पेपर। और अंदर इसके ये वाला पैकेट निकला है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एक बबल रैप के अंदर एक बॉक्स लपेट के इसके अंदर डाला हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, इस बबल रैप को भी हटा लेता हूँ मैं। तो भाई, कटर की सहायता से मैं इसको हटा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से टेप लगी हुई है यहाँ पे। तो गाइस, अंदर का बॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। प्रोडक्ट पता नहीं कैसा होगा, निकाल के देखते हैं एक बार। तो गाइस, बॉक्स हमारा निकल के बाहर आ गया है, आप देख रहे होंगे। तो गाइस, बॉक्स काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। इस साइड में बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरह की इमेज डली हुई है। इस बॉक्स की लंबाई है करीबन 4 इंच, ज़्यादा लंबाई नहीं है, छोटा सा बॉक्स है बस, ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं है इसकी। इस साइड में ट्राइपॉड लिखा हुआ है यहाँ पे, 360 डिग्री पर घुमाया जा सकता है इसको। इस साइड में भी ट्राइपॉड लिखा हुआ है, किसी कंपनी का कोई कुछ नाम वगैरह कोई कुछ नहीं डाला हुआ है, बस ओनली ट्राइपॉड लिखा है। नीचे कुछ डिटेल डली है। इस साइड में दिखाया हुआ है कि किस तरह से कसा जाए और घूम सकता है ये। तो गाइज, अब करते हैं इसको अनबॉक्स। तो गाइज, इसके अंदर से तो बस ये दो सामान निकले, और कुछ है इसके अंदर? गाइज, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस ये दो सामान निकले, एक तो ऊपर का माउंट और एक शायद नीचे का स्टैंड है। तो गाइज, ये माउंट है इसका, 7 इंच चौड़ाई है इसकी। यहाँ पे कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, 4 स्क्रू लगे हैं इसके अंदर। क्वालिटी भी अच्छी है कुछ। तो गाइस, शानदार इसका माउंट तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे कुछ प्लास्टिक लगा हुआ है जो कि हमारे फोन को खराब ना करे, इस तरह का रबर टाइप में। तो गाइस, यहाँ पे इसको टाइट भी किया जा सकता है, घूमता है कुछ इस तरह से। और अब ये टाइट हो गया, आप देख सकते हैं अब ये टाइट हो गया अच्छे से। अब इस पन्ने के अंदर क्या डाल के दिया मैंने? तो भाई, ये नीचे का स्टैंड है इसका कुछ इस तरह। तो गाइज, इसकी लेग्स कुछ इस प्रकार से फैल जाती है, ये भी काफी ज्यादा शानदार है। नीचे से कुछ इस प्रकार की बनावट है इसकी। अब इसको टाइट करके देखते हैं कैसा लगता है। तो गाइज, क्वालिटी इसकी भी काफी अच्छी, मटेरियल जो काफी अच्छा यूज किया गया, जल्दी से टूटने वाला नहीं, एक बार गिर जाए तो नहीं टूटेगा। प्राइस के हिसाब से काफी शानदार बना हुआ है ये।
तो गाइज मैं प्राइस भी बताऊंगा इसका कितने का आया, इसका लिंक मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप इसे परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा शानदार हो गया, आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है, ब्लॉगिंग वगैरह शूट करने के लिए काफ़ी अच्छे से शूट कर सकते हैं गाइज हम इससे, आप देख पा रहे हैं। बस छोटा सा ट्राइपॉड है ये, कुछ इस प्रकार से हम रख सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर रख के वीडियोज़ बना सकते हैं, और ये भी घूमता है, हमारे मोबाइल को रोटेट कर सकते हैं कैसे भी, हम खड़ा रख सकते हैं या फिर आड़ा रख के भी हम वीडियोज वगैरह कुछ बना सकते हैं इस प्रकार की। तो गाइस काफी ज्यादा शानदार लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है, ये मात्र 202 रुपए में आया है। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप खरीद लेना, फ्लिपकार्ट से मैंने इसे खरीदा। तो गाइस मोबाइल लगा के कुछ इस प्रकार से दिखता है, वीडियोज वगैरह बनानी हो तो हमें मोबाइल इस प्रकार से रख के बना सकते हैं। तो गाइस हमारा मोबाइल कुछ इस तरह से रोटेट भी हो सकता है, नीचे तक की वीडियो भी बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो इस प्रकार से ऊपर भी हो सकता है। तो गाइस ये वाला फंक्शन काफी ज्यादा शानदार है इसके अंदर जो दिया हुआ है। तो गाइस ये वाला ट्राइपॉड जो ब्लॉगिंग वगैरह के लिए काफी ज्यादा शानदार है, इतना घटिया नहीं, काफी अच्छा है। सो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।